ये पीछे जो माउंट दिख रहा है वो है सिसिकेन। सिसिकेन ये क्लाइम होता है, कोई कोई इसे क्लाइम भी करते हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है इतनी ऊंचाई पे मोटरसाइकिल लेके उतरे आए वेस्ट बंगाल से, सीधा लंगजा कॉमिक पहुंच गए स्पीति रेंज। बहुत अच्छा लग रहा है, हम और भी आगे बढ़ेंगे, आप साथ में रहना। ये गांव जो है ये लंगजा है, 10-12 बिल्डिंग लेके एक गांव है। कॉमिक मॉनेस्ट्री, जो मॉनेस्ट्री पूरा मिट्टी का बनाया हुआ है, इतना ऊंचाई पे 4,500 मीटर से भी ऊपर ये मॉनेस्ट्री है। ये मॉनेस्ट्री यार ये पानी जो है वो बर्फ बन गए। ये मॉनेस्ट्री का बाहर का साइड है, अभी हम जहाँ पे है यहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन एकदम भी नहीं है, बिल्कुल कम है ऑक्सीजन, सांस लेना मुश्किल हो जा रहा है। ये देखिए ये दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल विलेज है, सबसे ऊंचा मोटरेबल विलेज ये कॉमिक है, जो है 4,587 मीटर ऑल्टीट्यूड पर। ये बहुत ऊंचाई पे है, मेरा BS6 हिमालयन जो वेस्ट बंगाल से हम लेके आए हैं, ये नया है मेरा। थैंक यू वेरी मच, इस मोटरसाइकिल को मैं बहुत थैंक्स देता हूँ क्योंकि ये मुझे सबसे ऊंचाई पे का जो रूल है वो सभी बंद है, हम लोगों को आने नहीं दे रहे थे, फिर भी हम चोरी छुपे सबको रिक्वेस्ट करके आ रहे हैं ये रोड को। अभी तक एक भी टूरिस्ट नहीं दिखाई दिया। अक्टूबर का एंड है, ठंड तो बहुत है, रात को बहुत ठंड होता है और दिन में जब तक सूर्य की रोशनी होता है तब तक हम झेल पाते हैं उस ठंड को, 3 बजे के बाद ये ठंडा झेलने के लायक नहीं है, फिर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। प्लीज़ आप हमारे साथ रहो और एक रिक्वेस्ट है, ऊपर वाला साथ है, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, आप सभी मेडिटेशन कीजिए, जिंदगी बहुत हसीन है। ओके, टाटा कॉमिक अभी हम निकलने वाले हैं, यहाँ से थोड़ा हिकिम जाएंगे, हिकिम विलेज होते हुए हम फिर किबेर निकलने वाले हैं और रास्ता कुछ ऐसे गया हुआ है। ये हिकिम विलेज के 15 से 20 घर लेके ये हिकिम विलेज है और ये जो दिखाई दे रहा है ये है खेती, ये थोड़ा खेती बहुत करते हैं ये यहाँ का गांव के बसिंदे। ये छत के ऊपर जो खेती जो करते हैं उसका जो उगता है वो ये छत के ऊपर सूखने के लिए दे देते हैं।
दिख रहा है स्पीति वैली, और वो है काजा, वो है काजा विलेज। जो नीचे विलेज दिखाई दे रहा है वो काजा विलेज, और स्पीति वैली का वाइडनेस यहाँ से पूरा क्लियर दिख रहा है। दो तीन किलोमीटर यूं ही जाएगा, पेट्रोल नहीं खाएगा। मुझे तो मज़ा आ रहा है बहुत। ये स्टार्ट ऑफ किया हुआ है, बाइक अपने आप चल रहा है, बहुत अच्छा लगता है। ये हर कोई करता है पहाड़ में, लेकिन ये स्वीति में ये करते हुए बहुत मज़ा आ रहा है। वर्ल्ड फेमस की मॉनेस्ट्री, ये की मॉनेस्ट्री आर्किटेक्चर के लिए फेमस है, दुनिया भर से ये मॉनेस्ट्री देखने के लिए सब आते हैं। स्पीति वैली का ये एक बहुत बड़ा आकर्षण है। ये स्पीति रिवर, हमने लामा जी को रिक्वेस्ट किए थे तो लामा जी ने हमको अंदर घुसने दिया, और हमने देखा है मॉनेस्ट्री के अंदर में, बहुत अच्छा था मॉनेस्ट्री। पैदल ऊपर आए ताकि की मॉनेस्ट्री यहाँ से बहुत अच्छा दिखता है। की मॉनेस्ट्री का आर्किटेक्चर जो है इसी को देखने सब आते हैं दुनिया भर से। स्पीति का ये की का नज़ारा यहाँ से बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम चढ़ के ऊपर आए। हम 3 बजे तक पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ का माहौल थोड़ा ख़राब है। यहाँ पे कोई भी रहने के लिए नहीं दे रहे हैं। ये है किबेर गांव, यहाँ का माहौल थोड़ा गंभीर है। और वो ऊपर जो देख रहा है वो है माउंट कानामो। हम पहले यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे रहने के लिए नहीं दे रहा है, तो हम आगे बढ़ेंगे अभी किबेर में
रहने का जगह नहीं मिला, यहाँ पे कोई रहने के लिए नहीं दे रहा है कोविड के लिए, तो देखते हैं क्या होता है। टेम ब्रिज है ये, नया बना है हिमाचल में, ये सीधा ज्वाइन करता है बताल की रोड को। फिर गांव में गए थे, किबिर गांव में रुकने के लिए साफ मना कर दिया, उसके पीछे जो गांव था काछिम वहां पे भी मना कर दिया है रुकने के लिए, और वहां से एक ये गांव नहीं है, दो घर हैं यहां पे आने के लिए कहा है, और यहां पे ये ताला तोड़ के यहां पे रात को गुजारने के लिए कहा है। तो हम किबेर गांव का प्रधान की कुछ है लगता है शायद उसी के बातों के माफिक हम ये ताला तोड़ रहे हैं और ये रात हम ये गुजारने के लिए। कमरा कुछ ऐसा है, ऊपर भी मिट्टी, पत्थर और मिट्टी से बना है ये घर। आग जलाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि ये 4000 मीटर के ऊपर है, बहुत ठंडे यहाँ पे पानी जो जा रहा है वो भी जम जा रहा है। आज का रात यहाँ पे गुजारना है किसी तरह, फिर कल सुबह धूप निकलते ही निकलना है क्योंकि धूप निकलने से पहले हम निकल नहीं सकते। थोड़ा आग जलाने की कोशिश कर रहा है सूखा गोबर से, यहाँ पे थोड़ा सूखा गोबर रखा हुआ था। आप लोग साथ रहिए तो हम डरेंगे नहीं। आज रात का डिनर है मैगी, अभी टाइम हुआ है 5:30, 5:30 बजे ही डिनर कम्प्लीट हो रहा है क्योंकि आगे तो कुछ हो नहीं पाएगा, 7 बजे तक सो जाना है, कल सुबह होते ही इस घर से निकल जाना है। ये घर का माहौल कुछ ऐसा है। कल सुबह होते ही निकलना है यहाँ से। मैंने आज हिकिम पहुँच गया है, कल रात को चोरी छुपे काजा में रुकने के दिया था एक मॉन्क ने, एक साधु ने, मोनेस्ट्री का जो साधु है काजा मोनेस्ट्री का, वो रुकने दिया था, लेकिन आज मैं हिकिम में रुकने का कोशिश किया था लेकिन गांव वालों किसी तरह से भी राजी नहीं हुआ, तो मजबूरन मुझे हिकिम से थोड़ा आगे, हिकिम गांव में ही थोड़ा आगे कैंप लगाना पड़ा। यहाँ का ठंडा और भी बहुत ज़्यादा है। मैं चाह रहा था कि किसी तरह अगर यहाँ पे 3-4 दिन मॉनेस्ट्री में गुजार लिया जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया। आज मुझे हिकिम में रुकना पड़ा, बहुत ठंडा है। आप लोग मेरे साथ रहिए और अल्लाह खुदा शक्तिशाली शिव बाबा तो है ही, वो हमेशा हमारे साथ है। आप लोग हमेशा हमारे साथ रहिए। मेरा हाथ पूरा जम जा रहा है, मैं कमर कैमरा पकड़ नहीं रख पा रहा हूँ, मेरा उंगली पूरा जम जा रहा है, लेकिन मुझे वीडियो तो करना ही है क्योंकि आप लोगों को तो दिखाना ही है मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा ये पागलपन कितना हद तक जा रहा है।
बस और कुछ नहीं, आप साथ रहिए, हम बातें करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, आगे बढ़ेंगे और भी बहुत कुछ करना है, जिंदगी का फुल मजा लेना है यार। मजा करो, हंसते खिलते खुशी में जिंदगी बिताना है, और क्या चाहिए। का बहुत मशहूर है डिस्कवरी नेशनल जियोग्राफिक से कैमरामैन आता है, महीनों तक यहाँ पे पड़े रहते स्नो लेपर्ड का वीडियो और फोटोग्राफी करने के लिए। कुंजुम पास 8 किलोमीटर बाकी है अभी।